फतेह आलम अंसारी। अंसारी साहब, क्या देख पा रहे हैं आप? जी सर, ऐसा है कि जैसे हम इतना 2014 से देखे, जब से मोदी सरकार आया है, बीजेपी जब सरकार है, तब से महंगाई इतना बढ़ गया है कि आम लोग का जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग काम करते हैं, 10,000 रुपये सैलरी है। मैं भी ग्रेजुएशन करता हूँ, मुझे ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ा क्योंकि स्कूल का मतलब फीस इतना बढ़ गया, कहाँ से देंगे? घर वाला मेंटेनेंस के बाद हमको काम करना पड़ रहा है। वो 10,000 में फैमिली घर नहीं चलता बिल्कुल, इतना महंगा पड़ गया। अभी जो सामान 10 रुपये मिलता था उसका दाम 50 रुपये हो गया है। तो बताइए, किस मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार कुछ सही नहीं किया। अच्छा, एक थोड़ा सुन लेना, आता हूँ। एक बात बताइए आलम साहब, कि ये आप क्या करते हैं? अभी हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आप पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त? पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। उसमें मेरा पढ़ाई क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे, फीस देने के लिए पैसे नहीं हो रहे थे। तो घर में कोई और तो होगा? कोई नहीं है मेरे घर में। तो आप 12th का ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया? पूरा नहीं कर पाए, छोड़ दिए पढ़ाई? छोड़ दिए और काम करने लगे। क्योंकि इतना महंगाई में कौन कहाँ से अरेंज करे? इतनी मजबूरी घर में आए ऐसे कैसे कि जो आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी? अरे इतना महंगाई हो गया, जो सामान लोग 10 रुपये में खरीदते हैं, आज सामान बताइए कितने में खरीद रहे हैं? अभी पेट्रोल के बारे में बता रहे हैं। पेट्रोल हम लोग 50-60 रुपये डलाते थे 2014 से पहले, 60-60 रुपये में आता था। आज वो पेट्रोल 100 रुपये में आ रहा है, तो सोचिए कितने का अंतर है। हर सामान में बहुत डिफरेंट हो गया है, गरीब आदमी कहाँ से अरेंज करेगा इतना सामान? सरकार में तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, कुछ जब अच्छे काम होते हैं, लोग कहते हैं, और ऐसे जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि जब कुछ अच्छे काम हो रहा हो तो थोड़ा बहुत महंगाई झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे अच्छा काम हुआ कि आप ही बताइए, अच्छा क्या काम का हुआ है? हाईवे कह रहे हैं कि तुम हाईवे सड़क। तो हाईवे किसके लिए बना? हाईवे अमीर लोग के लिए। गरीब लोग क्या हाईवे पे चलते हैं गाड़ी लेके? अमीर लोग गरीब लोग हाईवे पे चलेंगे गाड़ी लेके? किसके लिए? अमीर लोग के लिए। जो भी कुछ हो रहा है अमीर लोग के लिए हो रहा है। अडानी मोदी जो भी सोच रहा है सिर्फ अडानी के लिए सोच रहा है, गरीब लोग के लिए नहीं सोच रहा है। गरीब के लिए सोचता है सरकारी स्कूल रहता है, अच्छा हॉस्पिटल बनाता है, अच्छा हाईवे बना के क्या फ़ायदा है? आदमी जल्दी पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचेगा जल्दी? ऊपर पहुंचेगा, घर नहीं पहुंचेगा जल्दी, ऊपर पहुंचेगा अच्छा रोड बनने पर। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए, सरकार किसान सम्मान निधि देती है 2,000 रुपये, और ऐसे ही तमाम ऐसे सुविधाएँ सरकार की तरफ से मिल रही हैं, आप कह रहे हैं कुछ मिली नहीं? हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको ना पढ़ाई के लिए पैसा मिला ना कुछ नहीं मिला। हम अप्लाई भी किए, रिजेक्ट कर दिया गया। हमने अपना घर ख़राब है मतलब, हुए उसमें रिजेक्ट मतलब अप्लाई किया गया, तो गांव का मुखिया लोग सिर्फ मतलब मुंह देखा देखी करता है, तो उसमें भी हम लोग का घर रिजेक्ट कर दिया गया। मेरा घर आज बरसात में हम लोग परेशान रहते हैं, हम लोग अभी घर बनाने स्टार्ट किए हैं, अपने दम पे बनाने स्टार्ट किए हैं। जब घर की बात कर रहे हैं तो सरकार ने ऐलान किया था हर आदमी का घर पक्का होगा, पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल। और कब होगा शौचालय? कब होगा? कब होगा? कोई हुआ ही नहीं अभी तक। हम लोग अप्लाई करें, कम से 4 से 5 बार अप्लाई कर चुके हैं हम लोग घर के लिए, हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है हम लोग का। क्यों? अच्छा इनकी बातों से अभी तक तो आप लोग सबने सुन लिया होगा, इनकी बातों से कौन है जो सहमत है कि ये बात लड़का सही कह रहा है? कोई बताए, बताना चाहेगा? हमारा नाम विपिन कुमार है सर। ठीक है। वो ये कह रहा है मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, अब 10,000 रुपये ग्रेड है, ठीक है, यहाँ पर रेंट पर रहना पड़ता है, 3,000 रुपये किराया है, ठीक है, परिवार लेके अगर रखेगा तो माइनस में जा रहा है। बताओ महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, वो परिवार नहीं। बात से आप कितना सहमत है? हम सहमत हैं उसकी पूरी बात से, महंगाई के ऊपर, हाँ। लेकिन प्रशासन मतलब इसलिए ठीक है कि कहीं मतलब कोई भी रात बरात चले जाए, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन 14 से पहले जो सपा सरकार थी ना यूपी के अंदर, वो ठीक थी। वो क्यों थी? ठीक है, तो एयरपोर्ट में काम चलता था, ठीक है, को एयरपोर्ट, ठीक है, तो लोग काम मतलब दबा के करते थे, ठीक है, ओटी लगाते। एक सवाल है मेरा आपसे कि ये बताइए, ये आप ही घर में इकलौते कमाते हैं, घर में और भी कोई? हम ही कमाते हैं। आप ही कमाते हैं, कितना कमा लेते हैं? महीने का 11,000 रुपये। घर में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं घर में और 11,000 कमाते हैं, तो कैसे घर चलाते हैं? अब क्या करें, मजबूरी उसमें चल रहा है, अब चलाना तो पड़ेगा, जितना हो रहा है उतना हो रहा है। पापा है, मेरे से प्लान मेरे पापा नहीं है, पापा जी अब तक टेंशन नहीं था, पापा खेती वेती कर लेते थे, लेकिन अभी तो पापा है नहीं, तो इसलिए करना पड़ रहा है सब। कितनी पोंछा लगा रहे जो बीए पढ़ेंगे, पोंछा लगा रहे जो आप इस सरकार में, भाजपा सरकार में गवर्नमेंट जॉब कितनी निकली, जो 2019 में वो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हुआ था, हमने भी किया था, कंपटीशन की तैयारी हम भी कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद में अभी 2023 में उसका एग्जाम हुआ है, उसका मेरिट देखो आप कितनी हाई पाई गई है। एक सेकंड फ्री कर देता हूं, मैं कह रहा हूं कि लेबरों के लिए क्या है? ग्रेड नहीं दे रहा सर, जो हमें हकीकत चाहिए वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ग्रेड, जो 10,500 है बाकी 7,500-6,000 में कटवा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा, मैं बिहार से हूँ। अच्छा बिहार से है, तो बिहार से आपको सबसे पहले सवाल ये है कि यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? बिहार से अपना रोजगार ढूंढने के लिए आना पड़ता है। बिहार में रोजगार नहीं? बिहार में रोजगार नहीं है।
तो आप यूपी आ गए? बिहार नहीं, यूपी के अलावा भी मैंने उत्तराखंड गया, राजस्थान और पंजाब जैसे शहरों में जाके काम किया हूँ। और बिहार, बिहार से ले, बिहार का ही नहीं, बिहार के अलावा भी और जितने भी स्टेट हैं, हर जगह कमोबेश सब एक ही जैसा सिचुएशन, हर जगह बेरोजगारी, हर जगह मारपीट होती है। अगर बिहार के लोग अगर कहीं जाते हैं उनको दबाया जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आपने देखा होगा मनीष कश्यप का, क्यों अगर उसने बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाया तो उसको अंदर कर दिया गया। उसी तरीके से अगर हम अगर ऐसा कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ, हमें भी अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन जो यथार्थ है, जो सच्चाई है कि कोई भी अभी के टाइम में बिहार, बिहार ने ऑल ओवर मतलब इंडिया के रोजगार के लिए बात नहीं करता है। अच्छा, रोजगार हो चाहे, अब मान लीजिए हमने कोई समोसे की दुकान खोली या कोई अपना रोजगार भी शुरू किया, आपने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी से हमें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट को फायदा है जीएसटी से, ठीक है। एजुकेशन तो आपका जीरो है, एजुकेशन में जो होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। आप कितनी पढ़ाई कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं? हमने होटल मैनेजमेंट करी है। होटल मैनेजमेंट जी कर रखा है। तो आपने जॉब के लिए कहाँ कहाँ? मैंने जॉब के गवर्नमेंट से इसमें कोई हेल्प नहीं मिला। मैं अपने दम पे जॉब किया हूँ, अपने दम पे भी रोजगार कर रहा हूँ, अपने दम पे भी रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। अपने दम पे चला जी, मतलब खुद का काम है आपका? जी खुद का काम है। तो कैसा चल रहा है आप ये बताएं? मेरा काम अच्छा चल रहा है और हम अपने मतलब भाई लोग से यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट पे आश्रित मत रहो, खुद से मेहनत करो और खुद से आगे बढ़ो। क्योंकि गवर्नमेंट सब जितने भी नेता लोग हैं सब अपना अपना पॉकेट भरते हैं भैया, और अपनी अपनी फ्लाइट देखते हैं कि कितने साल में कितनी फ्लाइट मिले, विदेश यात्रा कितनी हो जाए, ठीक है। सब अपने अपने मजे। वो अपने बलबूते किया है या किसी का सहारा लिया? अपने बलबूते किया हूँ, अपने बलबूते किया। गवर्नमेंट से एक रुपए की लोन नहीं मिली है, अन्ना लोन लेना है, खुद के दम पे किया हूँ कमा के। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि युवाओं को जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप खुद के बलबूते बनिए, खुद के काम करिए, खुद के बलबूते बनिए, और जब वोट आए तो सोच समझ के वोट डालिए। कहने का आपकी नजरों में एक छोटा सा सवाल है, सरकार के 9 साल हो गए हैं, कैसा काम काज आप देख पा? सरकार देखो, अगर हर चीज का अलग अलग फैक्टर के हिसाब से गवर्नमेंट को ये कर सकते, ये हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि बीजेपी खराब है, अलग अलग पार्टियां खराब है। बेरोजगारी के मामले, बेरोजगारी के मामले में बीजेपी सही नहीं है, बेकार है, बेकार है। बाकी का और डेवलपमेंट के मामले में जैसे रोड हो गया, पुल बनाना, स्वास्थ्य सेवाएं, हर स्टेट में अलग अलग उसका कैटेगरी। ओवरऑल 10 में से कितना अगर देना चाहे तो क्या रेटिंग देंगे? अगर ओवरऑल अगर 10 में से मैं देना चाहूंगा तो 6 देना चाहूंगा। 6 देना चाहेंगे जी, मतलब 6 दे रहे हैं तो फिर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके नजरों में सरकार ठीक ठाक? ठीक है, और थोड़ी और सरकार को आगे, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ और मुझे खुद काम करके अपने देश को आगे ले जाना है, ठीक है, ना कि किसी पार्टी के भरोसे करना। ठीक है, चलिए आप अपना नाम बताइए। प्रेम। प्रेम जी। तो ये दिल में प्रेम रेम है? ठीक है, दिल में तो बहुत है, दिल में बहुत है जी। ये सरकार के प्रति प्रेम है आपको? जी बिल्कुल है। क्या देख पा रहे हैं सरकार को लेकर के? जी सरकार को लेकर के जैसे कि मेरे पापा के पहले किसान थे, तो किसी भी सरकार ने किसान कार्ड पे पैसे नहीं भेजते थे, मोदी के किसान कार्ड भेज रहे हैं। सम्मान निधि मिल रहा है जी, जो 2-2 हजार मिलता है जी, हर महीने 6 महीने में किस्त आ जाती है, साल में 6 किस्त आ जाती है हमारी, साल में 6 किस्त आ जाती है सम्मान निधि जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और काम आप जी? जैसे कि हमारे मुरादनगर ले लीजिए, यहाँ पे कांवड़ियों को हर बार दिक्कत होती थी, जब से सरकार में कांवड़ियों को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पूरा देखरेख किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मोदी योगी जी बिल्कुल कह देते हैं अगर कांवड़ियों को दिक्कत पहुंची तो फिर मुरादनगर ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग सरकार, इस सरकार के साथ जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। चलिए